एवरीवन, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 10E। एक्सरसाइज 10E में क्या है कि अपन को स्टोरी सम्स दे रखे हैं, उनको सॉल्व करना है। एग्जांपल फर्स्ट क्या है, इन द कैपेसिटी ऑफ अ जूस कैन इज 350 मिलीलीटर। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिक्स सच जूसेस जूस कैंस। कि अब देखो, वन जूस में 350 लीटर जूस आता है। अब बताओ सिक्स जूस में कितना आएगा, ऐसे सिक्स पैकेट होंगे उसमें कितना आएगा सिक्स कैंस में। मल्टीप्लाई करेंगे 350 मल्टीप्लाई बाय सिक्स, आंसर आ जाएगा 350 मल्टीप्लाई सिक्स, आंसर आ जाएगा 2100। ओके, अगर आपको किसी की कैपेसिटी पूछ ले कि इसमें कितने कैपेसिटी आएगा जूस, कितने कैपेसिटी आएगा, तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल सेकेंड है, 186 मीटर ऑफ रिबन इज कट इंटू 3 इक्वल पार्ट। कि 186 मीटर रिबन है उसको 3 इक्वल पार्ट में काटना है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच रिबन। ईच रिबन की आपको क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। क्या करेंगे, डिवाइड। टोटल रिबन कितने हैं, 186 मीटर। रिबन इज कट इंटू पार्ट कितने करने हैं, 3। लेंथ ऑफ ईच रिबन 186 मीटर डिवाइड बाय 3। अब आंसर इसका आप पहले निकाल लोगे, पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा 62 मीटर। अब अपन एक्सरसाइज 10 स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 110। क्वेश्चन 1 है, एन इलेक्ट्रीशियन यूज 298 सेंटीमीटर आउट ऑफ 500 सेंटीमीटर वायर, हाउ मच वायर इज लेफ्ट। कि देखो क्या है, एक इलेक्ट्रीशियन है, उसने 298 सेंटीमीटर आउट ऑफ 500 सेंटीमीटर वायर, कि उसके पास 500 सेंटीमीटर वायर था, उसमें से उसने 298 सेंटीमीटर वायर यूज़ कर लिया। अब बताओ उसके पास कितना वायर लेफ्ट है, कितना वायर बचा, तो अपन क्या करेंगे, माइनस स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 1, आंसर लिखेंगे इसका, इलेक्ट्रीशियन यूज्ड वायर, उसने कितना वायर यूज कर लिया है, 298। ओके, अब और इलेक्ट्रिशियन के पास वायर कितना है, उसके पास टोटल वायर कितना है, कितने वायर, कितना सेंटीमीटर का है, 500 सेंटीमीटर। अब हाउ मच वायर इज लेफ्ट, अब लिखेंगे लास्ट में, वायर इज लेफ्ट। ओके, अब उसके पास कितना वायर बचा, तो अपन क्या करेंगे, 500 सेंटीमीटर में से 298 को माइनस कर लेंगे, 500 माइनस बाय 298 सेंटीमीटर। माइनस कीजिए, जीरो में से 8 माइनस नहीं होता, हमेशा वंस में से वंस, टेंस में से टेंस और हंड्रेड में से हंड्रेड को माइनस किया जाता है, जीरो में से 8 माइनस नहीं है। अब इससे ये कैरी नहीं ले सकता, किससे कैरी लेगा, 5 से, इससे कैरी ली तो इधर हो गया 4, इससे इसने इसको कैरी दी तो इधर हो गया 10, जब ये इसको कैरी देगा तो इधर हो जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 9। अब 10 में से 8 को माइनस करो, ये 10 है, 5, 6, 7, 8, कितने बचेंगे, 2। ओके, अब 9 में से 9 को माइनस किया, सेम नंबर को माइनस करते हैं तो 0, 4 में से 2, ये 4 है, इसमें से 2 को माइनस किया तो 2, आंसर आ गया 202 सेंटीमीटर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ मिल्कमैन सोल्ड 46 लीटर 450 मिलीलीटर
35 liter 500 milliliter and 56 liter and 706 milliliter of milk in 3 days. कि वो 1 day में इतना, 2 day में इतना and 3 day में इतना milk क्या करता है? Sold, means कि बेचता है. How much milk has he sold in all? अब देखो उसने total 3 days कितना जो दूध है वो बेचा. तो आप क्या करोगे, प्लस या माइनस? 3 डेज को प्लस करोगे तो अपन को पता चल जाएगा उसने 3 डेज में कितना दूध है वो सोल्ड किया है. क्या करना है इसमें? प्लस. प्लस मैंने आपको सिखाया था, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रति वॉक्स 456 मीटर टू द लाइब्रेरी, 34 मीटर अहेड टू द स्टेशनरी शॉप एंड 350 मीटर टू ग्रोसरी शॉप. हाउ मच हैज शी वॉक्ड? अब देखो रति है वो इतने मीटर में लाइब्रेरी जाती है, चलती है, 34 मीटर वो स्टेशनरी शॉप पे चलती है दूरी पर, और 350 मीटर को वो ग्रोसरी शॉप पे जाती है. अब बताओ उसने कितना चला. लिखेंगे किसको, इसको किस तरीके से लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है लिखेंगे? रति वॉक्स लाइब्रेरी, रति लाइब्रेरी पे कितने कितना मीटर चलती है? 456. ठीक है, आप इस मीटर को इधर भी लगा सकते हो, इसमें मीटर ही है, एक ही यूनिट है. अगर टू यूनिट होती तो आप एक तरफ ये लगा देते, एक तरफ ये लगा लेते. ओके, अब श्री वॉक्स, रति वॉक्स लाइब्रेरी. नेक्स्ट में लिखोगे शी वॉक स्टेशनरी स्टेशनरी वो कितना चलती है? 34. 4 3 वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस. और नेक्स्ट है ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप पे वो 350 मीटर मीटर लगा लेते हैं. क्या करना है, प्लस या माइनस? प्लस. टोटल कितना चली? अब लिखेंगे शी वॉक्ड 6 + 4 कितना होता है? 6, 7, 8, 9, 10 का 0 कैरी लगी 1, 5 + 1, 6 6 + 3, 9 9 + 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ओके, 14 का 4 कैरी लगी 1, 4 + 1, 6 सो 4 + 1, 5 5 + 3, 5, 6, 7, 8 आंसर क्या आ गया? 840 मीटर. लिखेंगे 840 मीटर रति हैज वॉक्ड. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन हैड 345 मीटर 66 सेंटीमीटर ऑफ रोप. ठीक है, उसके पास इतनी रोप है. ही यूज्ड 234 मीटर 15 सेंटीमीटर ऑफ इट. हाउ मच रोप इज लेफ्ट? अब इसमें देखो क्या करोगे, उसके पास इतनी रोप थी, उसमें से इतने उसने ले ली, कट कर ली, तो बताओ उसके पास कितनी बची. क्या करोगे, माइनस या प्लस? माइनस. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से करोगे मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ, आंसर आपको पूरा अपने आप लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर लिखेंगे, अ मैन हैड रॉप, अ मैन हैड रॉप. ओके, अ मैन हैड रॉप कितनी है? 345 मीटर 66 सेंटीमीटर. सबसे पहले लिखेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, मीटर कितना है? 345 मीटर 66 सेंटीमीटर. ही यूज्ड लिखेंगे, ही यूज्ड
रोप। उसने कितनी रोप यूज कर ली? 234.15 सेंटीमीटर। ओके, अब माइनस करते हैं। 6 में से 5 को माइनस किया तो 1, 6 में से 1 को माइनस किया तो 1, 4 सॉरी 5, 6 में से 1 को माइनस किया तो 5, 5 में से 4 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 3 में से 2 को माइनस किया 1। ओके, आंसर क्या आ जाएगा? 111 मीटर 51 सेंटीमीटर। लिखेंगे रोप इज लेफ्ट, कितनी रोप लेफ्ट रही? 111 मीटर 51 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ गर्ल यूज 3 रिबन्स। गर्ल को 3 रिबन्स है 2 मीटर 60 सेंटीमीटर ईच इन हर क्राफ्ट वर्क। ठीक है, हाउ मच रिबन डिड शी यूज इन ऑल। अब आप क्या करोगे कि 3 रिबन्स उसको यूज करने हैं ईच। 1 रिबन कितने का है? 2 मीटर 60 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है कि 3 मीटर लंबा चाहिए उसको। ठीक है, आप क्या करोगे, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई कर लोगे किससे? 3 से। आंसर आपका आ जाएगा, आप लिखोगे किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5 में करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, ईच, आप क्वेश्चन लिखना है आपको, ईच रिबन साइज। एक रिबन की साइज क्या है? 2 मीटर 60 सेंटीमीटर। ओके, अ गर्ल यूज, अ गर्ल लिखेंगे, गर्ल यूज 3 रिबन। कैसे करोगे? मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की मल्टीप्लाई 0 की तो 0, 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी लगी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7। ओके, लिखेंगे 7 मीटर 80 सेंटीमीटर रिबन, रिबन she used in all। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ये पूरी थ्योरी लिख के फिर आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चन भी लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ अ फैमिली कंज्यूम्स 4 केजी 500 ग्राम ऑफ शुगर इन अ मंथ, कि मेरी जो फैमिली है वो 4 केजी 500 ग्राम शुगर एक मंथ में यूज करती है। ठीक है, हाउ मच शुगर विल इट कंज्यूम इन अ ईयर। अब देखो ईयर में वो कितनी करेगी। अब देखिए 1 मंथ, ए मंथ में इतना करती है। अब बताओ ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 12 मंथ से। अपने आप करना, इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 5 केजी ऑफ व्हीट इज इक्वल डिवाइडेड अमंग 4 फैमिलीज, कि 5 केजी क्या है? 5 केजी व्हीट मींस कि गेहूं है, वो 4 फैमिली में इक्वल बांटने हैं। देन हाउ मच विल ईच फैमिली गेट। अब बताओ 1 फैमिली को कितने मिलेंगे, क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आंसर 5 का 4 का डिवाइड कर लोगे किससे? 5 से, सॉरी 5 का डिवाइड करोगे किससे? 4 से। लिखेंगे टोटल वीट, टोटल गेहूं कितने हैं? 5 केजी। ठीक है, डिवाइड
divide among four family. 4 family, ठीक है. 4 family क्या करोगे? 5 divide by 4. अब देखिए 5 divide by 4. अब 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं है. जब पूरा नहीं होता तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा लो, नीचे लिख लो 0. ये बात समझ लो कि पॉइंट लगाओगे तो उसके बाद आप जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो. ओके, 5 की टेबल में 40, अगर आप 20 लगाओगे तो ऊपर भी आपको 0 लगाना पड़ेगा. ओके, 5 की टेबल में 40 आता है. यस, 5 8 40 सॉरी, किससे डिवाइड करना है? 4 को डिवाइड करना है किससे? 5 से. 4 को डिवाइड करना है किससे? 5 से. करो, 5 की टेबल, 4 की टेबल में 5 आता है? नहीं, 5 से कम नंबर 4, कितने टाइम? 1 टाइम. 4 4 बन जा 4. 5 में से 4 को माइनस किया तो 0, 5 में से 4 को माइनस किया तो 1. 5 में से 4 को माइनस किया 1. अब 4 की टेबल में 1 नहीं आता तो क्या लगाओगे? पॉइंट, और नीचे क्या लिख लोगे? 0. अब 4 की टेबल में 10 आता है? नहीं, 10 से कम नंबर. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. 12 ज्यादा है, कम कौन सा है? 8. 4 2 जा 8. 10 में से 8 को माइनस किया तो 2. पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 लिख सकते हैं. 4 की टेबल में 20 आता है? यस, 4 5 जा 20. ओके, 0 लिखेंगे. ईच फैमिली गेट वीट. ईच फैमिली गेट वीट. एक फैमिली को कितने गेहूं मिले? 1 kg 25 ग्राम. ओके, सॉरी, ये इसका आंसर आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 5 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इट टू बी फिल्ड इन स्मॉल बोटल. कि आपको 5 लीटर कोल्ड ड्रिंक है वो स्मॉल बोटल में फिल करनी है. ईच हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 250 मिलीलीटर. हाउ मच मनी बोटल्स वुड बी नीडेड. आपको इसके लिए कितनी बोटल्स की आवश्यकता होगी? अब देखिए क्या करोगे, 250 को डिवाइड करोगे 5 से तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, इसमें भी क्या करना है? डिवाइड. अब क्वेश्चन नंबर 9, 8 आपका होमवर्क, 6 भी आपका होमवर्क था. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रिले रेस हैड अ ट्रैक ऑफ 4 किलोमीटर 400 मीटर. इफ देयर आर 4 प्लेयर इन अ टीम देन हाउ मच डिस्टेंस डिड ईच प्लेयर कवर. अब देखिए रेस है 4 किलोमीटर 400 मीटर की है, 4 प्लेयर्स हैं. अब बताओ एक पर्सन को कितनी क्या कहते हैं वो डिस्टेंस कवर करना होगा. क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे, अ रिले रेस हैड ट्रैक. रिले रेस में कितने ट्रैक, कितने कितने किलोमीटर का ट्रैक है? 4 किलोमीटर 400 मीटर. ठीक है, प्लेयर्स इन टीम, प्लेयर्स इन टीम, टीम में प्लेयर्स कितने हैं? 4. हाउ मच डिस्टेंस डिड ईच प्लेयर कवर. अब अपन क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे किससे? 4 किलोमीटर 400 मीटर से. 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 1. 4 1 जा 4. 4 में से 4 को माइनस किया 0. नेक्स्ट नंबर 4. 4 की टेबल में 4 कितने टाइम आता है? 1 टाइम. 4 1 जा 4. 4 में से 4 को माइनस किया 0. नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 0. उससे भी नेक्स्ट 0.
जीरो की हमेशा वैल्यू जीरो होती है, इधर जितने जीरो नीचे लिखे हैं उतने जीरो ऊपर। ओके आंसर आ गया, लिखेंगे ईच प्लेयर कवर डिस्टेंस। ईच प्लेयर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ईच प्लेयर कवर डिस्टेंस 1 किलोमीटर 100 मीटर। ओके अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ बार्कर यूज 3 kg 705 ग्राम ऑफ फ्लोर इन अ डे, हाउ मच फ्लोर विल ही यूज इन अ वीक। अब देखो वो वन डे में इतना फ्लोर यूज करता है, अब बताओ वो वन वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज, 7 डेज में कितना करेगा। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 आंसर, इसका आंसर लिखेंगे अ बार्कर यूज्ड फ्लोर इन अ डे, वन डे में उसने कितना फ्लोर क्या कहते हैं यूज किया, 3 kg 750 ग्राम। ओके ही यूज्ड इन अ वीक लिखेंगे, ही यूज्ड इन अ वीक, अब वो वीक में कितना यूज करेगा, मल्टीप्लाई बाय 7 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, तब अपनों को पता चल जाएगा उसने वीक में कितना फ्लोर यूज किया है। 7 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 7 5 35 का 5 कैरी लगी 3, 7 की टर्म में 7, 7 7 49 प्लस 3 49 50 51 52, 52 का 2 कैरी लगी 5, 7 की टर्म में 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 5 22 23 24 25 26, आंसर आ जाएगा 26 kg 250 ग्राम। ओके लिखेंगे 26 kg 250 ग्राम फ्लोर, 50 ग्राम फ्लोर ही यूज्ड इन अ वीक, इन अ वीक। ओके इसी तरह आपका ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।